राज्य शासन के निर्देशानुसार ग्वालियर के संयुक्त संचालक कार्यालय में सातवें वेतन का निर्धारण 31 अक्टूबर तक पूरा हो रहा है, लिहाजा सभी अधिकारियों से वेतन को लेकर कार्य पूर्ण करने की अपील की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा विभाग ग्वालियर एवं चंबल संभाग के योगेंद्र कुमार सक्सेना ने बताया कि कार्यालय द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन निर्धारण का कार्य संपादित किया जाता है। सातवें वेतनमान के वेतन निर्धारण हेतु राज्य शासन ने 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व वेतन निर्धारण का अनुमोदन संबंधी का पूर्ण करने का दायित्व सौंपा है। इस संबंध में सक्सेना ने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से आग्रह किया है कि निर्धारित तिथि से पूर्व अपने अपने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन IFMIS में पूर्ण कर अनुमोदित कराया जाए। शासन के निर्देश है कि सभी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, स्पेशली सातवां वेतन निर्धारण कम्प्लीट होना है 31 अक्टूबर तक। सभी विभाग के प्रमुखों से, विभाग अध्यक्षों से, DDO से मेरा यह बड़ा नम्र निवेदन है कि वो सभी अपने अपने प्रकरण इस कार्यालय में ऑनलाइन भेजें ताकि हम समयावधि में शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में उस कार्य को पूर्ण कर सकें। कुल मिलाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिलवाने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।